खबरों में है दम। सबसे पहले हम रेवा इंडिया न्यूज़, हम नहीं हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। आंगनबाड़ी और स्कूल पर बेबड़ों का आतंक। मडला जिला मुख्यालय से मजहब आधा किलोमीटर दूरी पर रामबाग कछार टोला पर स्थित प्राथमिक शाला एवं आंगनबाड़ी केंद्र पर शराबियों का अड्डा बना हुआ है। रोज शाम को महफिल सज जाती है, स्कूल आंगनबाड़ी पर बेबड़ों के द्वारा गंदगी फैलाई जाती है। शराब की बोतलें, डिस्पोजल, पौवा, नमकीन के पैकेट। जब सुबह शिक्षक स्कूल आते हैं तो आंगनवाड़ी की रोज सफाई करनी पड़ती है। शराब के नशे में धुत दरुओं के द्वारा शराब के पौवे छोड़े जाते हैं एवं फोड़े जाते हैं, जिससे आए दिन बच्चे चोटिल हो रहे हैं, जिससे शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है एवं अभिभावक परेशान हैं, जिसकी शिकायत संबंधित थाना महाराजपुर पर की गई, मगर जिम्मेदार के तरफ से कार्यवाही शून्य है। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। यहाँ पर तो बहुत गंदगी फैला रहे हैं और सब्जी अधिकतर मंडला से आती हो, जो अच्छे बाप की बिगड़ी औलाद है। इन लोग आते हैं यहाँ पर, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, डिस्पोजर पाउच वगैरह सब आसपास फेंकी हैं और डेली का काम है इनका। मैं तो डेली आकर यहाँ से दरवाजे के सामने कांच पड़ी रहती तो वो कांच उठाकर हाथ से बीनता हूँ मैं और बाहर फेंकता हूँ मैं। तो बच्चे चोटिल भी होते हैं आपके यहाँ? चोटिल होते हैं, दो तीन बच्चों का खून में निकल गया है पैर में कांच गड़ जाने के कारण, और परेशानी तो आती है यहाँ पर। लेकिन इन लोग अब समझ में नहीं आता कि कहाँ से कैसे आते हैं, इनको तो मैं देखा नहीं हूँ। हाँ, चोरी तो हुई, गैस टंकी, दो गैस टंकी चोरी, एक चूल्हा हुआ और भी रसोई के और बर्तन वगैरह कूपर वगैरह ये चोरी हो गई है यहाँ पर। और मैं आवेदन भी लगाया हूँ महाराजपुर थाना में, तो मेरे पास पावती रखी भी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई यहाँ पर। विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें WhatsApp करिए, हमारा WhatsApp नंबर है 9685369684। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए।